हम OTT वाले हैं भाई, हमें इंतजार करना मत सिखाओ। हम तो इंतजार की उस हद तक पहुंच जाते हैं जहां से वापिस आना लगभग नामुमकिन हो जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं उस इंतजार की जिसको आप पिछले एक साल से इंतजार कर रहे थे। जरा हटके जरा बचके अब ऑफिशियली आने वाली है OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर, कन्फर्म कर दिया गया है इसको। ये मूवी आपको कब और कौन से प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएगी सब बताएंगे इस वीडियो में। तो जानने के लिए प्लीज वीडियो को पूरा देखें, और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। विकी कौशल और सारा अली खान स्टारर मूवी जरा हटके जरा बचके, जो कि एक साल पहले 2 जून 2023 को थिएटर्स में रिलीज हुई थी, उस समय इस मूवी को एक ऑफर के साथ रिलीज किया गया था, वाई वन गेट वन के साथ। और इस मूवी को इतना बढ़िया रिस्पांस मिला कि आने वाले दिनों पे इस मूवी ने, जिसका बजट सिर्फ 40 करोड़ था, बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने 115 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, और ये मूवी एक सुपरहिट मूवी बन चुकी है। IMDb रेटिंग की बात करें तो यह है 6.5 out of 10। ये मूवी एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी है जिसको आप अपनी पूरी फैमिली के साथ देख सकते हो। अब फाइनली इस मूवी का एक साल से इंतजार किया जा रहा था OTT ऑडियंस की तरफ से, और उनमें से एक मैं भी था, क्योंकि ये मूवी मैंने भी थिएटर में मिस कर दी थी। अब मैं भी इस मूवी को OTT पे ही देखना चाहता था, लेकिन काफी समय से इस मूवी को डिले किया जा रहा था। लेकिन हमने आपको जैसे कि पहले अपडेट दी थी कि जैसे ही जियो सिनेमा का कोई सब्सक्रिप्शन प्लान आएगा, जैसे कि उन्होंने अभी एक 29 rupees का प्लान निकाल दिया है, उसी के साथ ये मूवी आपको देखने को मिलेगी। और फाइनली यहाँ पे जियो सिनेमा की तरफ से इस मूवी को अनाउंस कर दिया गया है। ये मूवी आपको इसी मंथ यानी कि थोड़े ही दिनों के बाद 17 मई को देखने को मिल जाएगी जियो सिनेमा के OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर। और यहाँ पे जियो सिनेमा वालों ने एक सरप्राइज भी दे दिया है, ये मूवी आपको हिंदी के साथ साथ तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, मराठी और भोजपुरी के साथ साथ बंगाली भाषा में भी देखने को मिलेगी। इतनी सारी लैंग्वेज में ये मूवी रिलीज होने वाली है जियो सिनेमा के OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो काबिले तारीफ है जियो सिनेमा का वर्क, सिर्फ और सिर्फ 29 rupees का इन्होंने एक सब्सक्रिप्शन प्लान निकाला है और उसके साथ इतनी सारी लैंग्वेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों पे जियो सिनेमा एक बहुत ही बड़ा OTT प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आप भी जरा हटके जरा बचके का OTT रिलीजिंग का वेट कर रहे थे, 17 मई को ये मूवी आपको देखने को मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे मिलते हैं ऐसे एक न्यू OTT अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।